तो आपको ना डेली यूज में बहुत ज्यादा ही तंग करने वाली है वो है इसकी माइलेज। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है NS 200 ना लेने का बहुत सारे बंदों का, कि उसके अंदर ना अभी भी हैलोजन सेटअप मिलता है हमको। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है जो आपको लेने से पहले ना बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तबाह कर लाके शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर इंडियन राइडर और स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप NS 200 बाय करने का सोच रहे हो तो आपको नॉर्मल डेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप जैसे नॉर्मल डेज में ड्राइव करोगे NS 200 तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो अच्छाइयाँ तो हम सबको पता ही है, लेकिन भाई इसकी बुराइयाँ जो आपको डेली यूज़ में ना बड़ी दिक्कत देने वाली है इस बाइक के साथ। तो अगर हम बात करें इसकी कंफर्ट से, अगर हम इसकी कंफर्ट को देखें ना, तो आपको देखो कि ये कितना कुशनी है। ये आपको सीट दिख रही है, लेकिन नॉर्मल डेज में अगर आप चलाओगे पिलियन के साथ आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पिलियन को यार बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर वो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा या कहीं भी जाएगा ना, तो आपको ना दिक्कत देने वाली है, क्योंकि ना इसकी पीछे वाली सीट ना बहुत हार्ड है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने बात करी है कम्फर्ट की। कम्फर्ट का मैंने आपको बता दिया कि पिलियन को यार बहुत दिक्कत देने वाली है ये सीट पिलियन के लिए। बात करें ना इसकी लाइट्स की, तो इसके अंदर ना हैलोजन सेटअप मिलता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये हैलोजन बल्ब है इसके अंदर आपको हैलोजन सेटअप मिलता है बल्ब्स का। तो हैलोजन की वजह से ना जो ये बाइक है ये ना यार इतनी अच्छी रोशनी ना आपको रात के टाइम पे ना दे नहीं पाती ये हैलोजन लाइट ना। तो आपको जो अगर आपके मुंह पे कोई रोशनी पड़ती है ना, अगर सामने कोई व्हीकल आ रहा है, तो भाई इसकी लाइट ना आपको दिखेगी भी नहीं, आपको लगेगा कि आपने जला भी नहीं रखी। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है जो आपको लेने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए इसकी लाइट्स की वजह से, क्योंकि और भी आप जितनी भी बाइकें देखोगे ना, उन सब के अंदर ना आपको कहीं और किसी में भी ना ये है।
मेरे को जरूर बताना, आपका भाई आपके लिए जरूर बनाएगा। तो तब तक के लिए राइड सेफ, जय हिंद, जय भारत।